जिस खिलाड़ी ने शतक जड़ अंडर 19 का फाइनल जिताया, आज तक वो टीम इंडिया में नहीं आ पाया। जब नहीं मिला टीम इंडिया में मौका तो 28 साल की उम्र में ले लिया संन्यास। कौन है वो खिलाड़ी, नाम जानकर रह जाएंगे हैरान। आज चर्चे भारतीय टीम के कप्तान उदय सहारण और सचिन दास के हो रहे हैं, जिसने 32 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाने के बावजूद 245 का टारगेट चेज कर लिया था। बोलो कौन है वो। जी हाँ, आज दास्तान उस कप्तान की जिसने 2012 में शतक जड़कर भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल जिताया, लेकिन कभी टीम इंडिया में नहीं आ सका। एक ऐसा क्रिकेटर उन्मुक्त चंद जिसने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को अंडर 19 विश्व कप जिताया था, उसने मात्र 28 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। इस समय भारतीय टीम अंडर 19 विश्व कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को रौंद कर फाइनल में पहुंच चुकी है और सबसे ज्यादा चर्चे इस समय भारतीय टीम के कप्तान उदय सहारण और सचिन दास के हो रहे हैं। दोनों की शानदार पारियों की बदौलत भारत ने 32 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाने के बावजूद 245 का टारगेट चेज कर लिया। उन्मुक्त चंद दिल्ली के रहने वाले थे और 2012 विश्व कप में भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान थे। भारतीय टीम साल 2012 में अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी थी। फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 225 रन बनाए थे। भारतीय टीम को जीत के लिए 226 रनों की आवश्यकता थी। उस पूरे टूर्नामेंट में उन्मुक्त चंद फ्लॉप चल रहे थे और 5 मैचों में महज 135 रन ही बना सके थे। लेकिन कहा जाता है कि बड़े खिलाड़ी बड़े मंच पर बड़ा पंच मारते हैं। कुछ ऐसा ही पंच उन्मुक्त चंद ने इस फाइनल में मारा था। 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए फाइनल मैच के दबाव में भारतीय टीम ने मात्र 97 रनों पर ही अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे। यहां से भारतीय टीम के लिए जीत के रास्ते बंद होते दिख रहे थे और डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के हौसले बुलंद होते जा रहे थे। कप्तान उन्मुक्त चंद एक तरफ, हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इस बीच भारतीय कप्तान उन्मुक्त चंद को विकेटकीपर बल्लेबाज समित पटेल का साथ मिला और दोनों ने भारतीय टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया और लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस फाइनल मैच में उन्मुक्त चंद ने नाबाद 111 रनों की शतकीय पारी खेली थी। समित पटेल ने भी नाबाद 62 रनों की पारी खेली थी। उन्मुक्त चंद की कप्तानी में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में फाइनल मैच हराकर विश्व कप चैंपियन बन चुकी थी। उन्मुक्त चंद सुपरस्टार बन चुके थे। लोग उन्मुक्त चंद को अगला विराट कोहली भी कहने लगे थे। लोग उन्मुक्त चंद को भारत का अगला कप्तान भी मानकर चल रहे थे, क्योंकि अभी तक जितने भी कप्तानों ने भारत को अंडर 19 विश्व कप जिताए थे सभी भारतीय टीम में चुने गए और सभी का कैरियर अच्छा रहा था। इनमें मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, पृथ्वी शॉ शामिल हैं। अंडर 19 विश्व कप अपनी कप्तानी में भारत को जिताने के बाद मिली शोहरत और चमक दमक को उन्मुक्त चंद शायद ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। उनका प्रदर्शन लगातार खराब होता चला गया। उन्मुक्त चंद भारत की अंडर 19 टीम के ऐसे पहले कप्तान बने जिनको एक भी मैच भारत की सीनियर टीम की तरफ से खेलने को नहीं मिला। आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा और मुंबई इंडियंस का साथ छोड़कर वे ऑक्शन में चले गए, जहां उनको किसी ने नहीं खरीदा। धीरे धीरे उन्मुक्त चंद भारतीय क्रिकेट से गायब होते चले गए और अंततः महज 28 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। उन्मुक्त चंद की कहानी से वर्तमान भारतीय कप्तान उदय सहारण को भी सीख लेनी होगी और विश्व कप में मिली शोहरत और चमक दमक के बीच अपना फोकस अपने खेल से नहीं हटाना होगा। वर्तमान में उन्मुक्त चंद अमेरिका की तरफ से क्रिकेट खेल रहे हैं और इस वर्ष T20 विश्व कप में अपने ही देश भारत के खिलाफ खेलते हुए देखे जा सकते हैं। मार्च में उन्मुक्त चंद अमेरिका की इंटरनेशनल टीम में जगह बनाने के दावेदार बन जाएंगे। वर्ल्ड कप का मेजबान देश होने के नाते अमेरिका को इस टूर्नामेंट में एंट्री दी जा रही है। उन्मुक्त चंद ने बयान भी दिया है कि उनका सपना है कि वो भारत के खिलाफ मैच खेलें। अब देखने लायक होगा कि उन्मुक्त चंद जिस देश को अपनी कप्तानी में अंडर 19 विश्व कप जिता चुके हैं उसके खिलाफ कैसा प्रदर्शन करते हैं। कमेंट कर बताएं कि क्या आपको उन्मुक्त चंद का खेल याद है। आपके हिसाब से वो भारतीय क्रिकेट में सफल क्यों नहीं हो पाए।